चलिए अब नेक्स्ट वाली रिएक्शन जो है ये क्या रहेगी, दैट इज क्वाइट अ लॉन्ग रिएक्शन, इसको हम क्या बोलते हैं, इट इज हाइड्रोबोरेशन, है ना। अब ये रिएक्शन जो होती है इसकी जो फर्स्ट वाली स्टेप होती है ना, वो क्या होती है, तो हम बोलेंगे इसकी जो फर्स्ट वाली स्टेप होती है वो पांच अलग अलग रिएक्शंस का फर्स्ट स्टेप होती है, ठीक है ना। तो इस वाले रिएक्शन में है ना हम क्या करेंगे, अल्केन भी बनाते हैं, ठीक है, और कुछ दूसरे प्रोडक्ट्स भी इस रिएक्शन से बनेंगे, ठीक है। तो इसमें पहले हम कौन सी चीज देख रहे हैं, हाइड्रोबोरेशन, ठीक है, विच इज व्हाट अ फर्स्ट स्टेप फॉर अदर रिएक्शन, है ना, अदर फाइव रिएक्शन, जिनमें से दो क्या रहेंगी, अल्केन को बनाने की मेथड्स भी होती हैं, ठीक है। तो अब हाइड्रोबोरेशन जो होता है इट इज क्वाइट सिंपल, इसका मतलब क्या होता है बेटा, तुम बोलेंगे हाइड्रोबोरेशन का मतलब होता है कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड एडिशन ऑफ बोरॉन अक्रॉस कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड, ठीक है बेटा, है ना। हाइड्रोबोरेशन का मतलब क्या होता है, तुम बोलेंगे बेटा हाइड्रोबोरेशन का मतलब होता है कि कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड के अक्रॉस क्या होना, बोरॉन का और हाइड्रोजन का एडिशन होना, क्लियर है ना। इट इज एडिशन ऑफ बोरॉन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, क्लियर, ठीक है। अब इसके लिए हमने क्या लिया, जैसे ये अल्कीन ली, ठीक है, अब हाइड्रोबोरेशन मतलब बोरॉन और हाइड्रोजन का एडिशन करवाना है, तो उसके लिए हमको क्या लेना पड़ेगा, कोई सोर्स लेना पड़ता है, ठीक है ना। तो बोरॉन हाइड्रोजन का जो सोर्स हम लेते हैं ना वो क्या रहेगा, हम बोलेंगे इट इज B2H6, ठीक है बेटा, है ना। बोरॉन और हाइड्रोजन इनका जो सोर्स लिया जाता है ना, दैट सोर्स इज व्हाट, इट इज B2H6, ठीक है। इसके साथ सॉल्वेंट हम क्या लेते हैं, इट इज THF, है ना, ये THF का स्ट्रक्चर है, टेट्रा हाइड्रो आयरन, ठीक है बेटा, है ना। ये क्या रहेगा, दैट इज टेट्रा हाइड्रो फ्यूरन, है ना, नॉट पायरन, इट इज टेट्रा हाइड्रो फ्यूरन, ये क्या होता है, इट इज THF, है ना, इसका स्टैंडर्ड शॉर्ट नोटेशन है और ये इसका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। THF जो है ये क्या करेगा, तो हम बोलेंगे B2H6 को कन्वर्ट कर लेता है किसमें, दैट इज इनटू BH3, ठीक है, ये B2H6 को BH3 में कन्वर्ट कर लेता है ना। अब BH3 जो होता है इसको हम क्या बोलेंगे, तो हम बोलेंगे BH3 में ना बोरॉन पर किसकी अवेलेबिलिटी होती है, तो हम बोलते हैं दैट इज ऑफ वैकेंट पी ऑर्बिटल, ठीक है ना। BH3 में बोरॉन पर क्या होता है, तो हम बोलेंगे BH3 में बोरॉन पर वैकेंट पी ऑर्बिटल अवेलेबल होता है, क्लियर, ठीक है। तो वैकेंट पी ऑर्बिटल होने की वजह से क्या रहेगा, दिस क्वालिफाइज एज एन इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है ना, ये एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह क्वालिफाई कर लेता है, ठीक है। BH3 इट क्वालिफाइज एज एन इलेक्ट्रोफाइल, क्लियर है ना। अब कौन सी चीज अपन बोलते हैं, तो हम बोलेंगे BH3 में बोरॉन पर जो वैकेंट पी ऑर्बिटल है ना, क्या होगा, तो हम बोलेंगे ये अल्कीन पर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है ना। अब क्या ये न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल है, तो हम बोलेंगे ये पाई बॉन्ड जो है, तो इसमें सेंट्रल कार्बन जो था यहाँ भी अटैक कर सकता था और टर्मिनल कार्बन पर भी अटैक कर सकता था, ठीक है। इसका अटैक अपन करवाएंगे कहाँ बेटा, टर्मिनल कार्बन पर करवाते हैं, है ना, क्योंकि जब ये टर्मिनल कार्बन पर अटैक करेगा तो पाई बॉन्ड क्या हो जाएगा, सेंट्रल कार्बन से टर्मिनल कार्बन की तरफ शिफ्ट होगा, जिसकी वजह से जो सेंट्रल कार्बन है इसके ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, है ना, मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 डिग्री कार्बोकैटायन कैरेक्टर आ जाएगा, है ना। यदि BH3 इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोफाइल टर्मिनल कार्बन पर जाएगा तो हम बोलेंगे 2 डिग्री कार्बोकैटायन कैरेक्टर आएगा, और यदि BH3 को आप कहाँ भेज देते, सेंट्रल कार्बन पर, तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ आता, टर्मिनल कार्बन पर आता, समझ आती बेटा बात ये, और पॉजिटिव चार्ज टर्मिनल कार्बन पर आता तो वहां क्या आ जाता, 1 डिग्री कार्बोकैटायन कैरेक्टर आ जाता, क्लियर हो गया बेटा अच्छे से, ठीक है। तो अब हम कौन सी चीज बोलेंगे, तो हम बोलेंगे कि BH3 का किधर,
टर्मिनल कार्बन पर जोड़ना फेवरेबल रहेगा, है ना, क्योंकि जब टर्मिनल कार्बन पर जुड़ेगा तो सेंट्रल कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, जहाँ 2 डिग्री कार्बोकेटाइन कैरेक्टर होता है एंड विच इज मोर स्टेबल देन व्हाट दैट 1 डिग्री कार्बोकेटाइन कैरेक्टर। आया ना बेटा समझ में? ठीक है, तो अब कौन सी चीज है? तो हमने बोला इधर ये बोरॉन टर्मिनल कार्बन पर जोड़ना शुरू हुआ, है ना, ये क्या है, न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल, तो ये इलेक्ट्रोमेरिक शिफ्ट पूरा नहीं करवा पा रहा, इसलिए रिएक्शन जो है वो कैसे आगे बढ़ रही, दैट इज वाया ट्रांजिशन स्टेट। तो ट्रांजिशन स्टेट में बोरॉन इस टर्मिनल कार्बन से जोड़ना शुरू हुआ, ये पाई बॉन्ड है ना, इधर से सेंट्रल कार्बन से टर्मिनल कार्बन की तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट करवाने लगा, वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बोरॉन को मिलने लगी। ठीक है, इसकी वजह से बोरॉन जो होता है उसके ऊपर क्या आने लगा, हमने बोला इसकी वजह से बोरॉन के ऊपर ना पार्शियल निगेटिव चार्ज आने लगता है ना, एंड दिस सेंट्रल कार्बन इस पर क्या आने लगेगा, तो हम बोलेंगे इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आने लगता है। आगे समझ में, है ना, अब कौन सी चीज है, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा बोरॉन पर, क्या आ जाएगा, इट इज पार्शियल निगेटिव चार्ज आता है। क्लियर है अच्छे से? ठीक है, अब कौन सी वाली चीज है, तो हमने बोला अब यहाँ पर है ना क्या होता है, तो हम बोलेंगे इट इज बोरॉन पर पार्शियल निगेटिव, कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, तो हम बोलते हैं बोरॉन जो होता है इस पर इलेक्ट्रॉन की रिचनेस बढ़ रही है। ठीक है, जो कम इलेक्ट्रो निगेटिव है बोरॉन, इस वजह से उसके लिए बियर कर पाना मुश्किल होता है। कार्बन क्या है, बोरॉन से ज्यादा इलेक्ट्रो निगेटिव है, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज का टॉलरेंस रिलेटिवली डिफिकल्ट होता है। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि ये ट्रांजिशन स्टेट में बोरॉन पर आया हुआ निगेटिव चार्ज ये उसको टॉलरेट करना मुश्किल पड़ रहा है, और कार्बन पर आया हुआ पॉजिटिव चार्ज ये कार्बन को टॉलरेट करना मुश्किल पड़ रहा है ना, तो इस वजह से क्या हो जाता है, तो हम बोलेंगे इस वजह से बोरॉन जो होता है ये अपने ऊपर से एक हाइड्रोजन को निगेटिव के फॉर्म में कार्बन पर शिफ्ट करवाने लगता है। ठीक है, बोरॉन क्या करेगा, तो हम बोलेंगे बोरॉन अपने ऊपर से है ना क्या करता है, एक हाइड्रोजन को निगेटिव के फॉर्म में कार्बन पर शिफ्ट करवाने लगता है। आगे बेटा समझ में अच्छे से? ठीक है, तो यहाँ क्या बन जाएगा, तो हम देखेंगे ये कार्बन कार्बन बोरॉन एंड हाइड्रोजन ये चारों ने मिलकर एक क्या बना लिया, रिंग बना ली, साइकिल बना ली, इसको हम बोलेंगे इट इज फोर मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट, है ना, फोर MCTS मतलब फोर मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। क्लियर बेटा अच्छे से? ये है ना, अब इस फोर मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट से कौन सी चीज हो रही है, हम बोलेंगे ट्रांजिशन स्टेट जब टूटेगी तो ये हाइड्रोजन बोरॉन पर से हटकर कार्बन पर शिफ्ट हो गया, और इस कार्बन पर क्या जुड़ जाएगा, BH2, क्योंकि BH3 का एक हाइड्रोजन निकल कर इस कार्बन पर शिफ्ट हो गया था। क्लियर बेटा अच्छे से? ये है ना, तो क्या हुआ अभी हमने क्या देखा, तो हमने बोला हाइड्रोजन एंड बोरॉन ये दोनों एक ही साइड से ऐड हुए हैं, है ना, तो इसलिए हाइड्रोबोरोनेशन जो होता है ये क्या रहेगा, तो हम बोलेंगे दैट इज सिन एडिशन, है ना, हाइड्रोबोरेशन इज व्हाट इट इज, सिन एडिशन। क्लियर बेटा अच्छे से? ये है ना, अब क्या हो जाएगा, आगे की रिएक्शन सिंपल है ना, यही स्टेप फिर से रिपीट होगा, बोरॉन पर से हाइड्रोजन जैसे ही चला गया है ना इलेक्ट्रॉन पेयर लेकर, तो बोरॉन पर फिर से वैकेंट पी ऑर्बिटल आ जाता है। ठीक है, अब ये बोरॉन अल्कीन के दूसरे मॉलिक्यूल पर फिर से अटैक करेगा, कहाँ जाएगा, बोरॉन टर्मिनल कार्बन पर। ठीक है, बोरॉन पर क्या आने लगेगा, निगेटिव चार्ज, क्या ध्यान में रखना है, इसमें एक हाइड्रोजन हटकर RCH2CH2 लग गया है। ठीक है, तो अभी बोरॉन इस अल्कीन पर जा रहा है, अपने में से फिर से एक हाइड्रोजन निकाल कर वो कहाँ देगा, अल्कीन पर, और बोरॉन कहाँ जुड़ जाएगा, टर्मिनल कार्बन पर, है ना, यहाँ से H निकल कर अल्कीन को मिला तो ये क्या बन गया, RCH2CH2, और ये जो CH2 वाला कार्बन है ये किस पर आ गया, बोरॉन पर। ठीक है, अब बोरॉन में से एक और हाइड्रोजन हट गया तो BH2 में से एक H गया तो क्या बचा, BH। ठीक है, और बोरॉन पर क्या लग गए, दो RCH2CH2, तो हमने क्या लिख लिया, RCH2CH2 होल ट्वाइस BH। ठीक है, अब क्या होगा, तो हम बोलेंगे यहाँ से ये बोरॉन फिर से अल्कीन पर गया, फिर से इसका हाइड्रोजन निकला। ठीक है, कौन
कौन सी चीज बन जाएगी, तो हम बोलेंगे इट इज आर सी एच टू, सी एच टू होल थ्राइज बी। आएगा बेटा समझ में क्या हो जाएगा यहाँ, तो हम बोलेंगे इट इज आर सी एच टू, सी एच टू होल थ्राइज बी, है ना। इट इज ट्राई अल्काइल बोरेन, क्या बन गया ये, ट्राई अल्काइल बोरेन बन जाता है ना। अब बिना मैकेनिज्म के सिंपली इसको देख लो कौन सी चीज है, तो हमने बोला यहाँ पे अल्कीन के तीन मॉलिक्यूल्स यूज हुए, बी एच थ्री का एक, बी एच थ्री में से एक एक करके तीन हाइड्रोजन निकले, एक अल्कीन को मिला क्या बन गया आर सी एच टू सी एच टू, दूसरी अल्कीन को मिला क्या बन गया आर सी एच टू सी एच टू, तीसरी अल्कीन को मिला क्या बन गया आर सी एच टू सी एच टू, है ना। तो यहाँ पे सी एच टू है, बोरॉन पर से एक हाइड्रोजन निकल कर यहाँ जाते जा रहे हैं, तो तीन मॉलिक्यूल्स हो गए ना आर सी एच टू सी एच टू, ठीक है। बोरॉन पर से तीन हाइड्रोजन हट गए, इधर ये जो कार्बन है हर कार्बन की एक इक्विवेलेंसी खाली, ये आर सी एच टू सी एच टू तीन बार किस पर जुड़ गया, बोरॉन पर, तो हमने क्या लिख लिया आर सी एच टू सी एच टू होल थ्राइज बी, है ना। क्या बन गया ये, ट्राई अल्काइल बोरेन बन गया। समझ आ गई बेटा बात ये, है ना, क्या हुआ ये, हमने बोला ट्राई अल्काइल बोरेन बन जाता है। क्लियर है अच्छे से ये, है ना। सो दिस इज व्हाट दैट ट्राई अल्काइल बोरेन, ठीक है ना। तो यहां तक की जो रिएक्शन थी बेटा, इसको हमने क्या बोला था, दिस इज हाइड्रोबोरेशन, ठीक है। अभी जो ट्राई अल्काइल बोरेन बना है, अब इस पर आगे की रिएक्शन हमको देखनी है ना। तो आगे के रिएक्शन में हम क्या बोलेंगे, सबसे पहली यदि ट्राई अल्काइल बोरेन पर हम क्या डाल देते हैं, दैट इज एच पॉजिटिव डाल देते हैं, ठीक है। तो ये एच पॉजिटिव जो है ट्राई अल्काइल बोरेन में क्या है, कार्बन इज कनेक्टेड टू बोरॉन, है ना। कार्बन हमने क्या बोला था, बोरॉन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ठीक है। तो एच पॉजिटिव जब इस पर जाएगा आर सी एच टू सी एच टू, उस पर एच पॉजिटिव मिला तो क्या बन जाएगा आर सी एच टू सी एच थ्री, ठीक है। ये रिएक्शन क्या कहलाएगी, दैट इज कॉल्ड प्रोटोनेशन, ठीक है। तो ये रिएक्शन जो होता है ये क्या हो गया, दिस इज हाइड्रोबोरोनेशन प्रोटोनेशन, दिस रिएक्शन इज व्हाट, सो वी कॉल इट हाइड्रोबोरोनेशन या हाइड्रोबोरेशन प्रोटोनेशन, एंड दिस इज व्हाट अल्केन बनाने की मेथड हो गई। इसका लॉजिक क्या बोला हमने कि एच पॉजिटिव जो है वो किस पर जाएगा, सी नेगेटिव पर, क्योंकि ट्राइल का ही बोरेन में कार्बन के साथ इट वॉज नेगेटिव, ठीक है बेटा। इसके बाद फिर AgNO3 OH नेगेटिव, इससे क्या हो जाता है कपलिंग, कपलिंग का मतलब क्या, दो मॉलिक्यूल्स का जोड़ना, तो ये आर सी एच टू सी एच टू ये दो बार जोड़ गए तो क्या बन जाएगा आर सी एच टू सी एच टू सी एच टू सी एच टू आर, है ना। ये रिएक्शन क्या हो जाएगी, हाइड्रोबोरेशन कपलिंग, है ना। इसका मैकेनिज्म फ्री रेडिकल होता है, पर ये पढ़ा नहीं रहा हूँ, काम का नहीं है। तो AgNO3 OH नेगेटिव से फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से कपलिंग होकर क्या बन जाएगा, दैट इज अल्केन बन जाता है। क्लियर है बेटा ये, है ना। इसके बाद फिर इसके रिएक्शन अपन किससे कर रहे हैं, दैट इज विद Br2, ठीक है। तो ये Br2 से रिएक्शन करेगा तो इसका जो C नेगेटिव है ये Br2 पर अटैक करके एक Br को हटा देगा, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे R CH2 CH2 Br, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, इट इज हाइड्रोबोरेशन ब्रोमिनेशन, ठीक है। इसके बाद फिर इसके रिएक्शन हम करवाएंगे कि इसके साथ, दैट इज विद NH2Cl, है ना। दिस इज कॉल्ड क्लोरामीन, है ना। क्लोरामीन में नाइट्रोजन क्लोरीन बॉन्ड इज वेरी वीक, ठीक है। तो ट्राइल का ही बोरेन इसका आर सी एच टू सी एच टू जब यहाँ अटैक करेगा तो सी एल निगेटिव को बाहर निकाल देता है और कार्बन पर क्या जोड़ जाएगा, दिस इज एन एच टू, है ना। इसको हम क्या बोलते हैं, इट इज हाइड्रोबोरेशन अमीनेशन, है ना। दिस इज वॉट हाइड्रोबोरेशन अमीनेशन, है ना। तो लास्ट वाली रिएक्शन जो है इसकी वो सबसे इंपॉर्टेंट है ना, दैट इज ऑक्सीडेशन। इसमें क्या किया, एच टू ओ टू साथ में ओ एच निगेटिव, है ना। तो एच टू ओ टू ओ एच निगेटिव इससे जब रिएक्शन हम करवाएंगे, है ना, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इट इज हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। इसका भी मैकेनिज्म इंटरेस्टिंग है बट अपन नहीं पढ़ रहे हैं। क्या होगा इसमें, तो हम बोलेंगे इसमें बी हटकर उस पर क्या लग जाता है, दैट इज ओ एच लग जाता है, ठीक है। तो इट इज हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, ठीक है। क्वेश्चंस के लिए आपको उसको डायरेक्टली याद रखना है,
कि बी हटाकर उस पर क्या लगा देना है, अपने को ओ एच लगा देना है ना। दिस इज वॉट दैट हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। आया बेटा समझ में ना, दिस इज हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन है ना। इसको इन शॉर्ट एच बी ओ भी लिखा जाता है ना। अब इसकी भी क्वेश्चंस करने अपने को बिना मैकेनिज्म के लिए, उसके लिए एक चीज अपन समझते हैं है ना। तो उसके लिए एक दूसरे रिएक्शन का रेफरेंस ले रहा हूँ मैं, जो आपको आसानी से समझ में आ जाएगी, जो अपन ने पढ़ा है उसके बेसिस पे, कि जैसे अल्कीन है, इस पर जब अपन वाटर का एडिशन करवाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एच पॉजिटिव है ना। अल्कीन पर हमने वाटर का एडिशन करवाया एच पॉजिटिव की प्रेजेंस में, ठीक है। तो ये जो एच पॉजिटिव होता है अल्कीन पर क्या करेगा, पहले इलेक्ट्रोमेरिक शिफ्ट करवाता है, ठीक है ना। ये एच पॉजिटिव अल्कीन पर क्या करवाएगा, इलेक्ट्रोमेरिक शिफ्ट। इसकी वजह से क्या हो जाएगा, इस कार्बन पर 2 डिग्री कार्बन जो क्या बनेगा, ज्यादा स्टेबल कार्बन के टाइम यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है। और इस पर जब वाटर न्यूक्लियोफाइल के फॉर्म में अटैक करेगा तो बीच वाले कार्बन पर क्या आ गया, इट इज ओ एच, ठीक है। तो ये वाटर का क्या हुआ, तो हमने बोला वाटर का ये सिंपल एडिशन हो गया है ना। इसमें वाटर का एच पॉजिटिव कहाँ गया, तो हमने बोला अल्कीन के उस डबल बॉन्डेड कार्बन पर, यहाँ क्या है CH2, दो हाइड्रोजन और ये CH क्या है, एक हाइड्रोजन है ना। तो हमने बोला इलेक्ट्रोफाइल मतलब एच पॉजिटिव क्या करता है, वाटर का एच पॉजिटिव उस डबल बॉन्डेड कार्बन पर जाता है जहाँ ज्यादा हाइड्रोजन, ठीक है। और वाटर का OH नेगेटिव उस डबल बॉन्डेड कार्बन पर जाता है ना जहाँ पर क्या है, कम हाइड्रोजन। समझ आती है बेटा बात, ये है ना कौन सी चीज होगी। तो हमने बोला वाटर का एच पॉजिटिव उस डबल बॉन्डेड कार्बन पर जाएगा जहां ज्यादा हाइड्रोजन, और वाटर का OH उस डबल बॉन्डेड कार्बन पर जाएगा जहां, वाटर का OH नेगेटिव उस डबल बॉन्डेड कार्बन पर जहां कम हाइड्रोजन। इसको अपन ने बेटा क्या बोलकर पढ़ा था, मार्कोवानिकोफ एडिशन। ध्यान ही है ना, हम क्या बोलते हैं अल्कीन पर वाटर का जोड़ना, ये रिएक्शन क्या कहलाती है, दिस इज कॉल्ड हाइड्रेशन, ठीक है। अल्कीन पर वाटर का जोड़ना रिएक्शन इज नोन एज व्हाट, हाइड्रेशन। आते समझ में, ये रिएक्शन हाइड्रेशन कहलाती है, ठीक है। तो ये क्या, एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन, जो क्या होता है, मार्कोवानिकोफ एडिशन होता है ना। अल्कीन पर वाटर का जोड़ना एच पॉजिटिव की प्रेजेंस में क्या कहलाता है, ये हम बोलते हैं ये कहलाता है मार्कोवानिकोफ एडिशन है ना। एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन इज मार्कोवानिकोफ एडिशन, ठीक है। अब क्या होता है, यदि आप एच बी ओ रिएक्शन को देखो, तो जैसे बेटा क्या था, ये दिस इज अल्कीन, अल्कीन का जो अपन ने क्या करवाया, B2H6TH और उसके बाद सेकेंड स्टेप में H2O2 और OH नेगेटिव, ठीक है। तो ये वाली चीज जब अपन करवा रहे हैं तो यहाँ है ना कौन सी वाली चीज हो रही है, तो हम बोलेंगे यहाँ पर है ना क्या हो रहा है, तो हमने बोला एक कार्बन पर एच है ना जहाँ क्या था, कम हाइड्रोजन, और दूसरे कार्बन पर ओ एच जहाँ पर क्या थे, ज्यादा हाइड्रोजन। तो वाटर का ओ एच निगेटिव कहाँ आ गया, उस डबल बॉन्डेड कार्बन पर जहाँ ज्यादा हाइड्रोजन थे, और वाटर का एच पॉजिटिव कहाँ, तो हम बोलेंगे उस डबल बॉन्डेड कार्बन पर जहाँ कम हाइड्रोजन थे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, दिस इज एंटी मार्कोवानिकोफ है ना। अब हालांकि क्या है, यहाँ पर रिएजेंट्स दूसरे हैं, तो हम बोलेंगे कि यदि हम सिर्फ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट देखें, तो रिएक्टेंट अल्कीन था, वो प्रोडक्ट अल्कोहल है, इसमें क्या एक कार्बन पर एच और दूसरे पर ओ एच जोड़ रहा है। तो यदि रिएजेंट अपन न देखें तो हम क्या बोलेंगे, एच और ओ एच का जोड़ना तो क्या होता है, हाइड्रेशन होता है, ठीक है। पर ये वाटर के एडिशन से नहीं हो रहा है, इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट हाइड्रेशन। आता है क्या बेटा समझ में, है ना। तो हम बोलेंगे कि एच बी ओ रिएक्शन जो होती है ना, ये क्या होती है, एक तो हम बोलेंगे ये अल्कीन्स का इनडायरेक्ट हाइड्रेशन होता है, ठीक है ना, ये अल्कीन का इनडायरेक्ट हाइड्रेशन है, ठीक है। और दूसरी चीज कौन सी हो जाएगी, तो हम बोलेंगे ये एंटी मार्कोवानिकोफ होता है। आते क्या समझ में, है ना। तो हम बोलेंगे एच बी ओ रिएक्शन जो होती है, ये क्या होती है, अल्कीन्स का इनडायरेक्ट हाइड्रेशन होती है मार्कोवानिकोफ रूल के अगेंस्ट, है ना। इट इज इनडायरेक्ट हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन अगेंस्ट मार्कोवानिकोफ रूल। तो इससे अपने क्वेश्चंस बेटा सारे डायरेक्टली हो जाएंगे। आगे क्या, यहां तक समझ में अच्छे से, है ना। तो ये हाइड्रोबोरोनेशन रिएक्शन जो थी उसके ना डिफरेंट एस्पेक्ट थे, है ना, ओवर अल्कीन।
ठीक है। अब यही रिएक्शन जब आप अल्काइन पर करवाओगे तो आपको खुद से आ जाएगी, बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। अल्काइन में क्या लिया, आर सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच, ठीक है। क्या डाला इसमें हमने, डिस बी टू एच सिक्स, ठीक है। एक कार्बन पर है ना, क्या आ जाएगा, इधर बीच वाले कार्बन पर हाइड्रोजन, इधर वाले कार्बन पर बोरॉन, और ट्रिपल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट इज इनटू डबल बॉन्ड, ठीक है। यहाँ डबल बॉन्ड था तो सिंगल में कन्वर्ट हुआ था, इधर क्या बना था, ट्राई अल्काइल बोरेन, अब इसमें सी डबल बॉन्ड सी है तो ये क्या बन जाएगा, ट्राई अल्किनाइल बोरेन, ठीक है। तो जब जब आप अल्काइन पर हाइड्रोबोरोनेशन करवाते हो, हाइड्रोबोरेशन करवाते हो, तो क्या बनता है, ट्राई अल्किनाइल बोरेन, आई वो समझ में है ना। अब इसके ऊपर ट्राई अल्किनाइल बोरेन मैकेनिज्म एंड एवरीथिंग इज द सेम, सेम एडिशन सब कुछ सेम है, बस ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड पर रुक गया है ना। अब इस पर जब आप एच पॉजिटिव डालोगे तो बोरॉन हटकर एच लग जाएगा, तो क्या बन गया, दैट इज अल्कीन, है ना। तो अल्काइन का जब आपने हाइड्रोबोरोनेशन प्रोटोनेशन या हाइड्रोबोरेशन प्रोटोनेशन करवाया तो क्या बना, उससे अल्कीन बनी, ठीक है। अब आपने AgNO3OH निगेटिव किया, ठीक है, तो हाइड्रोबोरेशन कपलिंग हुई, ठीक है। तो हाइड्रोबोरेशन कपलिंग में क्या हो जाएंगे, दो आर सी एच डबल बॉन्ड सी एच ग्रुप जुड़ जाएंगे, तो यहाँ फॉर्मेशन हो जाएगा किसका, दैट इज डाइईन, ठीक है ना। हाइड्रोबोरेशन कपलिंग इसमें फॉर्मेशन हो जाता है किसका, डाइईन का, आया बेटा समझ में, ठीक है। और उसके बाद फिर कौन सी चीज है इसका जवाब, क्या करवाओगे, ऑक्सीडेशन, H2O2OH नेगेटिव से, तो ऑक्सीडेशन के टाइम पर कौन सी चीज होगी बेटा, तुम बोलेंगे इट बी हटकर क्या लग जाता है, OH लग जाता है, ठीक है। तो जब आपने हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करवाया तो यहाँ पे बी हटकर जब OH लगा तो C डबल बॉन्ड C वाले कार्बन पर OH आ गया, ठीक है। तो डबल बॉन्डेड कार्बन पर OH का रहना क्या होता है, दिस इज इनॉल, ठीक है। तो ये क्या बन गया, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन से इनॉल, ठीक है। और इनॉल को जब आप टॉटोमराइज करवाओगे तो इनॉल टॉटोमराइज होकर कन्वर्ट हो जाता है किसमें, दैट इज इनटू कीटो फॉर्म, ठीक है। तो अब कीटो फॉर्म जो था ये क्या था, दिस इज एल्डिहाइड, है ना। तो हम क्या बोलेंगे कि टर्मिनल, है ना, ट्रिपल बॉन्ड यदि कॉर्नर में है मतलब टर्मिनल अल्काइन है, तो टर्मिनल अल्काइन के हाइड्रोबोरेशन प्रोटोनेशन से अल्कीन बनी, कपलिंग से डाइईन बनी, और ऑक्सीडेशन से इनॉल के थ्रू क्या बन गया, दैट इज एल्डिहाइड बन गया, आए बेटा समझ में, है ना। अभी जब इंटरनल अल्काइन लेते हो और इंटरनल अल्काइन पर ये रिएक्शन सेम मैकेनिज्म, एच की जगह आर लगा दिया तो ट्रिपल बॉन्ड किधर आ गया, अंदर, ठीक है। तो बस अब क्या हो जाएगा, हम बोलेंगे एक कार्बन पर एच और दूसरे पर OH जुड़ा, और इसको जब आप टॉटोमराइज करोगे तो क्या बन जाएगा, कीटोन बन जाता है, ठीक है ना। तो टर्मिनल अल्काइन के हाइड्रोबोरोनेशन ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड और इंटरनल अल्काइन के हाइड्रोबोरोनेशन ऑक्सीडेशन, इससे क्या हो जाता है, हम बोलेंगे इट इज कीटोन का फॉर्मेशन हो जाता है, क्लियर हो गया बेटा अच्छे से, है ना। अब इस रिएक्शन से रिलेटेड लास्ट में एक ये वाली चीज लिख लेना, इट इज SI अल्फा टू BH, है ना। इसके लिए नोट लगा के लिख लो, वैसे मतलब 99.99% चांसेस है कि मेडिकल वाली एग्जाम में इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, बट स्टिल नोट लगा के लिख लो, SI अल्फा टू BH, है ना, दिस ऑल्सो कैन बी यूज फॉर हाइड्रोबोरेशन, ठीक है। SI अल्फा टू BH, दिस ऑल्सो कैन बी यूज फॉर हाइड्रोबोरेशन, ठीक है। ये भी हाइड्रोबोरेशन के लिए यूज होता है, है ना। और कौन सी वाली चीज अपन बोलेंगे, तो हम बोलेंगे एक और चीज लिखेंगे इसमें हम, है ना, इफ अ कंपाउंड कंटेन टू सी डबल बॉन्ड सी, है ना, इफ अ कंपाउंड कंटेन टू सी डबल बॉन्ड सी, वन इंटरनल एंड वन टर्मिनल, है ना। इफ अ कंपाउंड कंटेन्स टू सी डबल बॉन्ड सी, वन इंटरनल एंड वन टर्मिनल, वन इंटरनल एंड वन टर्मिनल, देन SI अल्फा टू बी एच अटैक्स ओनली ओवर टर्मिनल सी डबल बॉन्ड सी। इफ अ कंपाउंड कंटेन्स टू सी डबल बॉन्ड सी, देन SI अल्फा टू बी एच अटैक्स ओवर
then si alpha 2 bh takes over only terminal c double bond c, takes only over terminal c double bond c. ठीक है, तो ये ध्यान रखना, प्रिकॉशनरी लिख रहे हैं, रेयर केसेस में कभी क्वेश्चन आ जाए तो आपको समझ में आ जाना चाहिए, करवाएगा कि ये भी सब कुछ यही है ना, बस रिएजेंट पहचान में आ जाना चाहिए. ठीक है, तो अभी अल्केन्स की मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन हो गई सारी, कुछ एडिशनल चीज़ें भी हमने देखी जो अपने सिलेबस की ही हैं, है ना. अब अल्केन्स की प्रॉपर्टीज जो हैं वो नेक्स्ट वाले सेक्शन से हम स्टार्ट करेंगे.